हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी इटोटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी का जो भी एग्जिट एग्जाम होने वाला है ना, उस एग्जिट एग्जाम में आने वाले हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर एमसीक्यू सीरीज, एमसीक्यू प्रैक्टिस हम अपने इस चैनल जीडीसी ट्विटर पे करा रहे हैं। इससे पहले हमने सोटिक्स का करा दिया था 10 पार्ट में, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी 5 पार्ट में करा दिया था, और कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट को भी बोला था 5 पार्ट में खत्म होगा। तो इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप जाके देख लेना, चैनल पे प्लेलिस्ट है एग्जिट एग्जाम की, वहां पे मिल जाएगी। और एग्जिट एग्जाम की तैयारी में जो भी आपको बुक की आवश्यकता है, जो भी आपके वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, सब कुछ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, सारी लिंक में डाल दूंगा। यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। उससे पहले अगर बताऊं सिलेबस की बात करूं, तो पीसीआई का लेटेस्ट जो सर्कुलर है ना, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपका एक पेपर होगा एग्जिट एग्जाम का, 3.5 घंटे होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश मीडियम में पूरा इसका पेपर होने वाला है। सोटिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, लॉ एंड एथिक्स, बायोकेम, हॉस्पिटल, क्लिनिकल और कम्युनिटी आएगा। कम्युनिटी की जगह पहले डीएसबीएम बताया था, लेकिन डीएसबीएम तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो कम्युनिटी आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ये पूरे सब्जेक्ट का एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, प्लेलिस्ट वगैरह भी जरूर देखिएगा, विजिट कीजिएगा, ताकि कोई भी डाउट आपका रहने ना पाए और सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। तो इसके पहले के वीडियो भी देख लेना। चलिए देख लेते हैं इस पार्ट नंबर 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस ना होने पाए। आज का पहला एमसीक्यू क्या होने वाला है, पहला क्वेश्चन होने वाला है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, पूछा गया है द मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ इन ओटीसी मार्केट इंक्लूड। जी हाँ, ऐसे कौन से मेजर फैक्टर हैं जो कि इंडिया के अंदर ओवर द काउंटर मार्केट को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ओटीसी मेडिकेशन, ऐसी मेडिकेशन जो कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट खुद से ले लेते हैं, तो क्या ऐसे कारण हैं कि वो खुद से जाके ओटीसी मेडिकेशन ले रहे हैं। सबसे पहला है कस्टमर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ मेडिकेशन। जी हाँ, कस्टमर का एटीट्यूड सेल्फ मेडिकेशन करने का जो एटीट्यूड है, वो ओटीसी मार्केट को ग्रो कर रहा है, सही बात है। कन्वीनियंस, हाँ जी, बिना आपको डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट आप फार्मासिस्ट से या कम्युनिटी फार्मेसी से ले रहे हैं, तो आपका कन्वीनियंस हो रहा है, इसीलिए वो आपका ग्रो हो रहा है ओटीसी मार्केट। साथ ही साथ इजी एक्सेस, आप इजीली किसी भी जाओगे मार्केट में या दुकान पे, तुरंत आप दवाएं ले लेते हो, तो ये इजी एक्सेस के कारण आपका ओटीसी ड्रग में ग्रो हो रहा है, ओटीसी ड्रग मार्केट में। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाले हैं, ओटीसी जो मार्केट हमारी ग्रो हो रही है इंडिया के अंदर उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, देख सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब हम इसके एक्सप्लेनेशन की हम बात करेंगे ना, तो इंडिया के अंदर ओटीसी मेडिकेशन क्यों ग्रो हो रही है, क्योंकि भैया इजी एक्सेस है, कन्वीनियंस है, टाइम सेविंग है ना, मिडिल क्लास लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये सारे जो हमारे फैक्टर्स है ना, वो ओटीसी मार्केट को ग्रो कर रहे हैं इंडिया के अंदर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, डैश यानी विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के इज वाइडली रिकमेंडेड इन द कॉमन कोल्ड। जी हाँ, कॉमन कोल्ड वाली जब समस्या होती है, तो कौन सा विटामिन रिकमेंड किया जाता है, याद कीजिए जब आपको COVID-19 चला था, उस समय विटामिन सी सबसे ज्यादा चलाई जा रही थी, है ना। कॉमन कोल्ड वाली कंडीशन में विटामिन सी हमारा बहुत कारगर मानी जाती है, इसीलिए सबसे ज्यादा वाइडली इसको रिकमेंड किया जाता है। देख सकते हो, आपको जब कॉमन कोल्ड की समस्या होती है, तो कुछ ऐसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अगर फार्माकोलॉजिकल बात की जाए, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, लोजेंजल, लोकल एनेस्थेटिक यूज कर सकते हो। नॉन फार्माकोलॉजिकल में आपका विटामिन सी ले सकते हो, प्लेंटी ऑफ वाटर पी सकते हो, गार्गल कर सकते हो वार्म वाटर, सॉल्ट वाटर के साथ। तो ये सब हमारे कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके कॉमन कोल्ड में यूज किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूछा गया है फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट फॉर ओमिटिंग। हाँ जी, ओमिटिंग के लिए कौन कौन सी दवाएं आप दे सकते हो। एंटीकोलिनर्जिक दी जाती है, दी जाती है। S2 रिसेप्टर ब्लॉकर दिया जाता है, बिल्कुल। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी काम करता है ओमिटिंग में। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर होगा, ओमिटिंग के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है जब आप बात करते हो एक्सप्लेनेशन की। जी हाँ, ओमिटिंग की कंडीशन में आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल में लेमन यूज होता है, जबकि आपके फार्माकोलॉजिकल में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात की जाए, डोपामिन एंटागोनिस्ट, N2 रिसेप्टर ब्लॉकर और एंटीकोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक, सब के सब हमारे यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है, पूछा गया है सेल्फ केयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। हाँ जी, कब्ज वाली समस्या, जब आपको बहुत ज्यादा कब्ज हो रही है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है ना, उन कंडीशन में जो आपका सेल्फ केयर, खुद से क्या आप डाइट ले सकते हो, तो आपका यहाँ पे ईट फूड रिच डाइट इन फाइबर, यानी कि जिस फूड में, जिस डाइट में फाइबर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है उसको खाइए, या फैट जिसमें पाया जाता है ज्यादातर कब्ज की समस्या में उसको खाइए, या फिर प्रोटीन जिसमें पाया जाता है, या फिर आयरन जिसमें पाया जाता है। तो भैया देखिए, जब कब्ज की समस्या होती है ना, तो सबसे ज्यादा उस
प्रोडक्ट को या उस डाइट को खाना चाहिए जिसमें कि आपका फाइबर सबसे ज्यादा मात्रा में मिला हो। क्या मिला हो? फाइबर। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फाइबर रिच डाइट आपको ड्यूरिंग द कॉन्स्टिपेशन आपको यहाँ पे खाना ही खाना पड़ेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा है नॉन फार्माकोलॉजिक रेमेडीज फॉर कफ इज एक्सेप्ट। जी हाँ, यहाँ पे तीन ऐसे रेमेडीज हैं जो कि कफ में नॉन फार्माकोलॉजिकल रेमेडीज है, लेकिन एक एक्सेप्शन दिया है, उसी एक्सेप्शन को चूज करना है। चलिए, स्टीम इनहेलेशन, ये भी कफ में यूज किया जाता है, एक्सेप्शन तो नहीं है। मेंथोलेटेड चेस्ट रब, विक्स वेपर रब वगैरह कप में, ये भी किया जाता है। जिंजर टी भी किया जाता है, लिया जाता है, लेकिन फाइबर रिच डाइट ये तो आपका एक्सेप्शन हुआ, ये तो आपका कॉन्स्टिपेशन में लिया जाता है ना, ये तो आपके कब्ज की समस्या में दी जाती है, तो आपका एक्सेप्शन पूछा था कफ का, तो ये आपका एक्सेप्शन हो जाएगा यही वाला। बाकी आप देख सकते हो ना कि आपका स्टीम इनहेलेशन हुआ, मेंथोलेटेड चेस्ट रब हुआ, जिंजर टी हुआ, और ये सारे चीजें हमारे गार्गल वगैरह, साइल गार्गल, ये सब कफ की कंडीशन में नॉन फार्माकोलॉजिकल होते हैं, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट। हाँ जी, पेन के लिए, पेन को दूर करने के लिए कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाता। एस्टामिनोफेन, जिसे हम पैरासीटामोल बोलते हैं, एनएसएड कैटेगरी की ड्रग है। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है, यूज किया जाएगा। नेप्रोक्सेन भी एनएसएड है, ये भी यूज किया जाएगा। इंडोमेथासिन, ये भी हमारा एज अ पेन मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा है तो मेथीमाजोल, मेथीमाजोल एक तरह से एंटी थायराइड ड्रग है ना, तो उस कंडीशन में दिया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी एक्सेप्शन हो जाएगा, नॉट यूज इन द पेन मैनेजमेंट। ठीक है, बाकी आपका देख सकते हो ना कि आपका जो एस्टामिनोफेन हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, ये सब के सब आपके चाहे हेडक हो, चाहे टूथएक हो, मस्कुलोस्केलेटल पेन हो, पीरियड पेन हो, सब में यूज किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है फॉलोइंग आर द डिजिटल हेल्थ टॉपिक्स एक्सेप्ट। जी हाँ, यहाँ पे कौन कौन से डिजिटल हेल्थ टॉपिक्स हैं, एक एक्सेप्शन है, उसी को चूज करना है। मोबाइल हेल्थ, ये भी डिजिटल हेल्थ टॉपिक है। टेली हेल्थ एंड टेली मेडिसिन भी है, और वियरेबल डिवाइसेस भी है, लेकिन ई फार्मेसी हमारे डिजिटल हेल्थ टॉपिक के अंतर्गत नहीं आता, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसी जो ऑनलाइन वगैरह होता है वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, एक्सेप्शन पूछा था तो आपका ई फार्मेसी हो जाएगा, जबकि आपका देख सकते हो ना मोबाइल हेल्थ हो, एम हेल्थ, या फिर आपका हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वियरेबल डिवाइसेस, टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन, टेली फार्मेसी, ये सब हमारे होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कैश बुक। जी हाँ, जो कैश बुक होती है ना, उसके रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट क्या है, उसी को चूज करना है। चलिए, कैश बुक इज रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैश बुक एक क्रम में या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, बिल्कुल ये सही है। कैश बुक इज नाइदर जर्नल नॉर लेजर। भैया, क्या ये ना तो जर्नल है ना ही लेजर है, ये दोनों है, बहुत जर्नल है, लेजर दोनों, तो यही एक्सेप्शन हो गया। बाकी प्राइमरी गोल है कैश बुक का कैश इफिशियंटी को मैनेज करना, और बैलेंस इज कैश इन हैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा था ना, तो एक्सेप्शन आपका यही होगा, ये बहुत जर्नल और लेजर होता है, ऐसा नहीं कि न कि जर्नल और लेजर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इट इज अ बोथ जर्नल एंड लेजर, बैलेंस इज कैश इन हैंड, प्राइमरी गोल है हमारा कि इफिशियंटली कैश को मैनेज करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, तो ये सारी समस्या यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट डज विटामिन के डिफिशियंसी लीड टू। जी हाँ, विटामिन के की डिफिशियंसी है तो क्या होता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगी, या डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, या ब्लड के कोगुलेशन में प्रॉब्लम होगी, या फिर सारा चीज होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्लड के कोगुलेशन में प्रॉब्लम होती है, विटामिन के डिफिशियंसी अगर है बॉडी में तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता जल्दी, तो इसीलिए वहां पे विटामिन के की आपको डिफिशियंसी को पूरा करना होता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, यहाँ पे इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, प्रिवेंशन एरर एंड फ्रॉड, एरर और फ्रॉड का को प्रिवेंट करना, ये तो फंक्शन हो गया। रेज द फंड फॉर बिजनेस। अब भैया, बिजनेस के लिए फंड रेज करना, ये तो अकाउंटिंग का काम नहीं हुआ, ये तो आपके बिजनेस के जो मैनेजमेंट का काम होता है ना, बाकी ट्रांजेक्शन को समराइज करना, फाइनेंशियल पॉलिसी को कंट्रोल करना, ये सब के सब हमारे अकाउंटिंग के फंक्शन होंगे, लेकिन फंड रेज करना फंक्शन नहीं होता है ना, तो यहाँ पे नॉट अ फंक्शन पूछा है, तो यही आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। जबकि आप देख सकते हो फाइनेंशियल पॉलिसी कंट्रोल करना, बजट प्रिपेयर करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, सबका हमारा यहाँ पे कैश का हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, अ सेकेंड टाइप ऑफ नॉन एडेरेंस। जी हाँ, जो नॉन एडेरेंस है, दवा का पालन न करते हैं जो हमारे पेशेंट वगैरह, तो उसका जो सेकेंड टाइम क्या है, अन इंटेंशनल नॉन एडेरेंस, नॉन परसिस्टेंस, या फिर नॉन फुलफिलमेंट, या फिर नॉन कन्फर्मिंग।
तो यहाँ पे सेकेंड टाइप होगा नॉन अडेरेंस का, नॉन परसिस्टेंस। जी हाँ, अगर पेशेंट चाह ही ले कि हमको दवा का पालन नहीं करना है क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन आ रही है, क्योंकि आपकी टॉक्सिसिटी सो हो रही है, या बहुत ज्यादा डोज लेना पड़ रहा है, तो वो आपका नॉन अडेरेंस का टाइप होगा, नॉन परसिस्टेंस। क्लियर है? चलिए अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान देने वाली बात है। सप्लाई ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल H1 शैल बी मेंटेन रिकॉर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर। जी हाँ, जो शेड्यूल H1 की ड्रग है ना, उसकी अगर सप्लाई की जा रही है तो उसका रिकॉर्ड कितने सालों तक एटलीस्ट मेंटेन करना होगा, एटलीस्ट 1 ईयर तक, 2 ईयर तक, 3 ईयर तक या 4 ईयर तक। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जो शेड्यूल H1 की ड्रग है ना, 3 साल तक, मिनिमम 3 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना ही करना होगा, 3 साल तक, जो शेड्यूल H1 वाली ड्रग है उनका रिकॉर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ, फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पे है एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायरी की एक्यूरेट ट्रैकिंग होती है फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, बिल्कुल होती है, रॉन्ग चूज करना है ना। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड फॉर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना, या फिर एज पर रेगुलेशन इट इज मैंडेटरी टू यूज सॉफ्टवेयर एंड इजी बिलिंग एंड अकाउंटिंग। देखिए, इजी बिलिंग एंड अकाउंटिंग भी होती है, रिकॉर्ड फॉर ट्रांजेक्शन भी मेंटेन होता है, और एक्सपायरी भी ट्रैकिंग होती है, लेकिन एज पर रेगुलेशन जरूरी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर को यूज ही करो। आप अगर सॉफ्टवेयर लगी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं, कोई आपका मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो यही आपका रॉन्ग हो गया, बाकी ये सारे आपके नीड होते हैं फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, द टर्म वेंडर ऑडिट रिफर्स टू। जी हाँ, जो टर्म है वेंडर ऑडिट, इसका मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन ऑफ हॉस्पिटल कंट्रोल ड्रग स्टोर, हॉस्पिटल का जो ड्रग स्टोर है उसका इंस्पेक्शन, या ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, या फिर इंस्पेक्शन ऑफ सप्लायर्स प्रीमाइसेस टू चेक द रिकॉर्ड फैसिलिटीज एंड स्टोरेज कंडीशन यूटिलाइज फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग, या फिर ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लाइक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। तो भैया देखो, जो वेंडर ऑडिट होता है ना, वो किसका ऑडिट होता है, किसका इंस्पेक्शन होता है, सप्लायर के प्रीमाइसेस का, कि भैया ये चेक करने के लिए वो जो रिकॉर्ड है, जो फैसिलिटीज है, जो स्टोरेज कंडीशन है, वो प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं है। तो आपका वेंडर ऑडिट ऑप्शन सी हो गया। जी हाँ, सप्लायर्स के प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन होना, एग्जामिन करना, चेक करना कि वो सारे चीजें, यानी सप्लाई, स्टोरेज और रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम क्या बोलते थे, ईओक्यू। इज ईओक्यू क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिकली ऑर्डर करना, प्रोडक्ट को ऑर्डर करने की हमारी टेक्निक होती है ना। तो ईओक्यू क्या है, एक टेक्निक है जो कि ड्रग की प्राइस को डिटरमाइन करता है, नहीं, टेक्निक है जो कि आपका फाइंड करता है कि कितनी इन्वेंट्री, कितना ऑर्डर हमें लगाना है। बिल्कुल, यही आपका ईओक्यू होगा। बाकी ये है टेक्निक यूज टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ये नहीं होगा, और यूज टू फाइंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा। मतलब ऐसी टेक्निक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू, जो कि आपका बताती है कि कितना इन्वेंट्री हमें ऑर्डर करना है, कितना हमें ऑर्डर लगाना है किसी प्रोडक्ट का। क्लियर है? उसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, सीआरएम इज, सीआरएम क्या होता है, बिजनेस सेंट्रिक होता है, मनी सेंट्रिक होता है, प्रॉफिट सेंट्रिक होता है, या फिर कस्टमर केंद्रित, यानी कस्टमर सेंट्रिक होता है। तो सीआरएम आपका मेनली कस्टमर केंद्रित होगा, यानी कि आपके कस्टमर पे केंद्रित होगा, या कस्टमर सेंट्रिक होगा, जो कि कस्टमर के रिलेशनशिप को आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मैनेज करने का काम करता है, टेक्निक है, टूल है, जो कि डायरेक्टली हेल्प करता है कस्टमर से मैनेज बिल्डअप करने का, रिलेशनशिप बिल्डअप करने का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द फर्स्ट चॉइस ऑफ ओरल मेडिकेशन इन डायरिया। जी हाँ, डायरिया की कंडीशन में ओरल मेडिकेशन की फर्स्ट चॉइस क्या है, ओआरएस सॉल्यूशन, बिस्मथ टैबलेट, रेडोटिल कैप्सूल, या फिर लोपेरामाइड। यहाँ पे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का नाम सुना होगा आपने, ओआरएस का, तो ओआरएस हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट चॉइस है मेडिकेशन, किसके कंडीशन में, डायरिया की कंडीशन में। जी हाँ, फर्स्ट लाइन थेरेपेटिक है डायरिया की कंडीशन में ओआरएस, है ना, जो कि WHO का एक फॉर्मूला है, अलग अलग जो भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस वगैरह होता है बॉडी में उसको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। क्लियर है? अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, द इनिशियल सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। जी हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया क्या, इनिशियल सिम्टम क्या होता है, पुअर कोऑर्डिनेशन, हेडक या डबल विजन, अनकॉन्शियसनेस एंड सीजर, पुअर कोऑर्डिनेशन या कन्फ्यूजन, या फिर स्वेटिंग, ट्रिमलेसनेस, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, मूड चेंज, हंगर, वीकनेस, क्या होगा। तो भैया, जो हाइपोग्लाइसीमिया का जो सिम्टम होता है ना, मेनली आपका जो स्वेटिंग होने लगता है, डिजीनेस, मूड चेंज, हंगर, वीकनेस, वोमिटिंग, ये सब हमारे क्या है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन का किसी भी पेशेंट के अंदर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है द कॉस्टी एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी है
उसका कार्सिनोजन क्या है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या मालन्यूट्रिशन। तो भैया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम सुना होगा, तो क्या है, बैक्टीरिया ही तो है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, बैक्टीरियम। कार्सिनोजन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात की जाए तो आपका बैक्टीरिया से हमारा ये कॉज होता है। ठीक, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्या पूछा गया है, इंसुलिन इज अ नेचुरल हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन और विच ग्लैंड। जी हाँ, इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन है, बॉडी के किस ग्लैंड या किस ऑर्गन से हमारा रिलीज होती है, किडनी से, स्प्लीन से, पैंक्रियास से अथवा लिवर से। तो भैया हमारा आइसोलेट ऑफ लैंजरहैंस सेल, जिसमें हम पैंक्रियास की बात करते हैं ना, तो पैंक्रियास से हमारा ये इंसुलिन रिलीज होता है आपका, जो कि आपके ब्लड ग्रुप में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। सो ये थे टोटल आपके 20 क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के पार्ट नंबर 4 से। पार्ट नंबर 1, 2, 3 पहले जाके वीडियो देख लेना, उसका जो जिसका भी छोटा हो प्लेलिस्ट वगैरह में लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन को चेक करना, एग्जिट एग्जाम की बुक, एग्जिट एग्जाम का टेस्ट सीरीज, एग्जिट एग्जाम का आपका वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट वगैरह जरूर चेक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए वीडियो, जो भी आपके एग्जिट एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और GDC ट्विटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है एग्जिट एग्जाम में। अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं पार्ट नंबर 5 में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।